हेलो नमस्कार, द हिंदुस्तान पे आपका स्वागत है। मैं रघु राधावत और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और इस वीडियो में मेरा साथ दिया है कुछ महत्वपूर्ण लोग, अभिषेक कटारा और जिसमें महत्वपूर्ण साथ दिया है इसके अलावा जो केशव अग्रवाल। और मैं रघु राधावत आपका स्वागत करता हूँ द हिंदुस्तान पर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द आवर चैनल। आज आपने जैसा कि थंबनेल को देखा होगा, उस थंबनेल से आपको साफ अंदाज़ा हो चुका होगा कि बीएससी फिजिक्स के जो सिलेबस है बीएससी फर्स्ट ईयर का, वो बताने वाला हूँ। मेरे पास बेसिकली फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, मैंने इसे ऑल यूनिवर्सिटी भी लिखा है नीचे। आप थंबनेल में देखोगे और आप देखोगे तो मैंने कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस को बताने वाला हूँ। आप बोलोगे कि ऐसा कैसे, तो देश की 90% से अधिक यूनिवर्सिटीज़ में यह सिलेबस मिलता है और कुछ चैप्टर्स ही इससे अलग जाते हैं कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज में। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान की एक भी यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसका सिलेबस कोटा यूनिवर्सिटी से बाहर हो। बेसिकली कोटा यूनिवर्सिटी का सिलेबस उनसे बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं। दूसरी मैं बात करूँ तो आप कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जो नहीं हैं, तो मैं अलग वीडियो में उनको बता दूंगा कि राजस्थान वालों को क्या पढ़ना है, कोटा वालों के लिए क्या है स्पेशलाइज। तो लेकिन ये अभी कोटा का है तो मैं कोटा को बता दूँ। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं बताऊँगा क्या होता है, कैसे पेपर है, तो इस पेपर के बारे में आपको बता देता हूँ। एक बार पेपर के बारे में जानने के लिए आइए हम चलते हैं मेरे ओपन बोर्ड में। तो ओपन बोर्ड के लिए स्टार्ट करते हैं। जैसा उसमें लिख रहा है तो मैं बता दूँ आपके पास कि पेपर आपके फिजिक्स के अंदर तीनों पेपर में एक है ऑप्टिक्स, एक है मैग्नेटिज्म और एक है मैकेनिक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो किस तरीके से इसकी मार्किंग होगी इस चीज़ को हम समझिए। तीन पेपरों में से अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स के अंदर हमारे पास मैकेनिक्स के अंदर या ऑप्टिक्स और जो हमारे पास है वो है ऑप्टिक्स, फिजिक्स और इसके अलावा जो हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसमें तीनों में ही मैं बात करूं तो जो सिलेबस जो नंबर डिस्ट्रीब्यूशन तरीका है वो सेम है। आइए जानते हैं वो क्या है, आइए समझते हैं कुछ देखकर। तो सेम कुछ है तो आइए जानते हैं। अगर मैं बात करूं तो आपको इसके लिए, अगर आप यहां से बेसिकली देख सकते हो, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करके और बता देता हूं आपको तो आप इसको देख लीजिए। तो मैं मैकेनिक से बता दूँ या फिर आप तीनों से ही समझ लीजिए। तो अगर मैं बात करूँ तो आप इस तरीके से समझिए, इसके अंदर आपके जो है, अगर मैं बात करूँ तो पेपर है वो आपका है, उसके अंदर 54 नंबर पास होने के लिए चाहिए और मैक्सिमम नंबर है आपके पास 150 और आपको मिनिमम पास मार्क है 54। हर प्रत्येक पेपर 75 नंबर का होगा जिसमें से 25 नंबर प्रैक्टिकल के होंगे और 50 नंबर आपके थ्योरी के होंगे जो आप एग्जाम में दोगे। क्या है इसके बारे में जानते हैं कि कितने में क्या होने वाला है। तो मैं अगर बात करूं तो इसके तीन सेक्शन डिवाइड हुए हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आपका पेपर 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क आपके 50 होंगे प्रत्येक पेपर के, और आपकी जो प्रैक्टिकल होगा वो 5 घंटे का होगा और जिसमें आपको 27 नंबर पास के लिए चाहिएंगे और उसमें 75 नंबर अधिकतर होंगे क्योंकि तीनों का एक ही प्रैक्टिकल लगेगा। आइए जानते हैं, ये तो ही प्रैक्टिकल वाली बात। अब हम जो बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्या है, तो आइए अब समझते हैं इन चीज़ों को। तो ये मैं बात करूँ तो आप इसको कुछ इस तरीके से समझिए। तो हमारे पास है आज जो बेसिकली है, बहु बात करें तो आप जैसा यहाँ देख रहे हो सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आते हैं हमारे पास 10 क्वेश्चन और 10 के 10 क्वेश्चन को करना कंपलसरी होता है, अर्थात आप 10 में से 10 को क्वेश्चनों को करेंगे। हैविंग ए 2 पार्ट्स फ्रॉम ईच यूनिट्स, मतलब आपको प्रत्येक यूनिट के में से 2 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको दोनों के दोनों क्वेश्चंस को करने हैं। आपको चूँकि टोटल मार्क 5 है तो इस हिसाब से आप देखोगे तो एक क्वेश्चन आधा नंबर का होता है, हाफ नंबर विल बी 1 क्वेश्चन। सो मैं यही कहूँगा कि आप 5 नंबर के टोटल हुए तो मतलब प्रत्येक क्वेश्चन आधा नंबर का हुआ। सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन आते हैं ईच यूनिट से, प्रत्येक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको उनमें से 5 को अटैम्प्ट करना है
और पांच क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करने के बाद, अगर आपको पांच क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको सीधे से करना है और एक क्वेश्चन होगा आपका पाँच नंबर का, मतलब 25 नंबर आप यहाँ से ला सकते हैं। इसके अलावा मैंने बात करी सेक्शन सी, 4 क्वेश्चन आते हैं आपके और कल, और इसके अंदर आप ऑल यूनिट से, बट एक यूनिट से, एक क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा। अब चारों क्वेश्चन किस यूनिट से आते हैं वो, लेकिन किसी भी यूनिट से एक से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और आपको करने हैं 2 क्वेश्चन, मतलब 4 में से 2, हर क्वेश्चन होगा 10 नंबर का। अगर मैं इनके शब्द सीमा बताऊँ तो 500 वर्ष मानी गई है वो। अगर मैं 5 नंबर वाले सेक्शन बी की बात करूँ तो 250 वर्ष है, और सेक्शन ए की बात करूँ तो 20 वर्ष है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इसका कंप्लीट सिलेबस डिटेल्स, तो वो मैं बता देता हूँ कि किस बुक को आप फॉलो करते हो, तो अलग अलग ऑथर्स की बुक के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। बेसिकली जो सिलेबस में है उसमें आप इस चीज़ों को कम्प्लीटली देखिएगा। आइए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ सब कुछ बता चुका, मैकेनिक्स का अलग बताऊँगा मैं, इनका सबका अलग बताऊँगा, तो आप इनको सबको देख लीजिएगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ सिलेबस के लिए बेसिकली, तो आप इस तरीके से देखिए, यहाँ से सिलेबस इसके लिए मैं बात करूँ तो सिलेबस इस तरीके से है। कुछ फिजिकल लॉ ऑफ एंड फ्रेम्स जो मैकेनिक्स की फर्स्ट है, इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें है इंटरनल एंड नॉन इंटरनल फ्रेम्स, गैलियन ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनवेरिंग ऑफ फिजिकल लॉज। और अगर मैं बात करूँ फिक्टोशियस फोर्स, यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कोरिलेस फोर्स, मोशन रिलेटिव टू द अर्थ एंड इट्स टाइम पीरियड, इफेक्ट ऑफ रिलेशन ऑफ अर्थ ऑन जी, और फोकल ओलक, या फोकल ओलक को पेंडुलम्स। अगर मैं बात करूँ, ये हमारे पास फर्स्ट यूनिट, ये यूनिट हो गई हमारे पास। अगर मैं बेसिकली देखूँ तो एक यूनिट 10 नंबर की बनती है आपके पास, ये यूनिट्स ज़्यादा। सेकेंड यूनिट की बात करूँ, अगर आपको कुछ ज़्यादा है तो मेरे पास जो सेकंड मैंने बताया था आपके लिए, एक जो हमने यहाँ पर एक चीज़ और दी थी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिक्स के, उनके हमने एक स्पेशल वीडियो बनाया, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं वीडियो को एंड में भी जोड़ दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डालूंगा, आप एक बार वीडियो को देखिए, आप उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को करिए, आपको 35 से 40 नंबर की गारंटी है। अगर मैं बात करूँ कन्वर्जन ऑफ लॉ एंड डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल, तो इसमें आप बोले तो कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इक्वेशन ऑफ मोशन, और कन्वर्जन ऑफ लीनियर मोमेंटम, रिलेशनशिप बिटवीन लैब एंड सेंटर मास फ्रेम्स ऑफ इन 1D एंड 2D रिफरेंस, इलास्टिसिटी ऑफ इलास्टिक कोहेजेंस, मोशन ऑफ ए सिस्टम विद बेयरिंग मास, मोशन इन ए सेंट्रल फील्ड फोर्स फील्ड, कन्वर्जन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और ट्रेजेक्टरी ऑफ ए पार्टिकल अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स, केपलर लॉ, रदरफोर्ड फॉर्मूला, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए रोटेटिंग बॉडीज, इंटरनल कोएफिशिएंट ऑफ मोमेंटम्स ऑफ एंटायर थ्योरम्स, आइडिया ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, और मैं बोलूँ प्रोपोर्शनल मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप, स्पिन प्रोसेशन इन कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और लार्मर फ्रिक्वेंसी। अगर मैं थर्ड मैं आपको बता दूं कि आपको हिंदी मीडियम में भी यही वीडियो मिल जाएगा, आपको हिंदी मीडियम में इस वीडियो को लेने के लिए कुछ मैं इसी में बताने वाला हूं, और आपको पहले मैं इंग्लिश मीडियम में बता देता हूं फिर आपको हिंदी मीडियम में बता दूंगा, तो आप इसको देखिएगा। जो लोग इंग्लिश मीडियम में देखना चाहते हैं उनसे मैं इंग्लिश मीडियम का कंप्लीट होने के बाद छोड़ देंगे, लेकिन जो हिंदी मीडियम में देखना चाहते हैं वो कम्प्लीटली देखते रहिए, क्योंकि आपको इन टॉपिक्स को एक बार इंग्लिश में लिखना है हिंदी मीडियम वालों को, क्योंकि जहाँ क्वेश्चन की मैं लिखा आता है कि जब क्वेश्चन में कोई भी गलती होगी तो वहाँ इंग्लिश मीडियम का मान्य होता है। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें शुद्ध हिंदी में पेपर वाले नहीं लिखते और हमको वो समझ में नहीं आते, तो उन क्वेश्चंस को आप इंग्लिश में आपके पास याद हैं तो अगर उनकी हेडिंग्स तो आप उनको वहाँ से कर सकते हो। ऐसा बार बार देखा जाता है एग्जाम्स में, ऐसा होता है, लेकिन हम लोग उनको ऐसा करते नहीं और हम ध्यान नहीं देते, इसके कारण कभी कभी हमारे पास ऐसा होने से गलती के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं और आया हुआ क्वेश्चन भी एग्जाम में रह जाता है। अगर मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर की थर्ड यूनिट की बात करूँ तो आप इसको देख लीजिए, तो इसमें है इलास्टिसिटी, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, हुक्स लॉ, इलास्टिसिटी कांस्टेंट ऑफ देयर रिलेशन, थ्योरी ऑफ बेंडिंग ऑफ बीम्स ऑफ ट्रेंशनर ऑफ सिलेंडर, क्वांटिलेटर सपोर्टेड बोथ एंड्स,
एक्सपेरिमेंटल डायनेमिक इलास्टिक कॉन्स्टेंट बाई बेंडिंग ऑफ ए बीम्स एंड शेयरल मेथड्स मॉडल्स ऑफ रिजिड बॉडी बाई स्टेटिक डायनेमिक मेथड पॉइजन रेशियो ऑफ रबर्स। ये मैं बात करूँ, ये था हमारे पास दूसरा। अगर तीसरे की मैं बात करूँ तो तीसरा है हमारे पास जो हमको देखना है वो है ऑक्सीलेशन। जो चौथी यूनिट है ऑक्सीलेशन की, इसको हम SHM में पढ़ते थे 12th तक, तो आप इसमें देख लीजिए। इसको आपको SHM, अगर आपको इसका बेसिक जानना हो तो आप रिक्वेस्ट कीजिएगा। मैं मतलब आपको जिस टॉपिक्स में प्रॉब्लम हो BSc फिजिक्स के अंदर, आप उस टॉपिक को मेरे से पूछ सकते हैं। आपको उस कमेंट बॉक्स में उसका नाम लिखना है। अगर आपको BSc फिजिक्स के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में से किसी ईयर के नोट्स चाहिए और आपको SSC किसी भी एग्जाम के नोट्स चाहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नीचे अपनी ईमेल आईडी लिख दीजिएगा, मैं आपको नोट्स अवेलेबल करा दूंगा। अगला मैं बात करूँ क्वालिटी आइडियाज ऑक्सीलेशन इन एवेट्री पोटेंशियल वेल। ये थी ऑक्सीलेशन में दोलन हम बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कपल्ड ऑक्सीलेटर, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक कपल्ड ऑक्सीलेटर एंड एनर्जी ट्रांसफर नॉर्मल मोड्स नॉर्मल कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए टू लाइनर कपल्स ऑक्सीलेटर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेशन एग्जाम्पल ऑफ वेलोसिटी गैल्वेनोमीटर वाइब्रेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल फोर्स हार्मोनिक ऑक्सीलेटर फेज रिलेशन पावर एक्सप्लोरेशन रेजोनेंस बैंडविड्थ विड्थ एंड क्वालिटी फैक्टर LCR सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। अगर मैं अब पांचवी यूनिट की बात करूं इसी में, तो पांचवी यूनिट है वेव्स। वेव्स के अंदर मैं बात करूं तो जनरल इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। दूसरी यूनिट है जनरल के अलावा अगर मैं बात करूं इसी में, तो दूसरी इक्वेशन है वो है लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसलेट वेव्स प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव्स इट्स एनर्जी डेंसिटी एनर्जी फ्लक्स एंड इंटेंसिटी प्रेशर वेव्स इन गैस इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ वन डायमेंशनल मोनोएटॉमिक एंड डायएटॉमिक इलेक्ट्रिक्स एक्सट्रोसेस एंड ऑप्टिकल मोड्स डिस्पर्शन रिलेशन कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुप एंड फेस वेलोसिटीज। अगर मैं दूसरे की बात करूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की, ये भी 50 नंबर की होती है। जो आपको मैंने पहले बताया था आपको कौन सा सिलेबस है किस तरीके से करना है, वो सब कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। आइए मैं बताने वाला हूँ कौन से चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी आप वीडियो के नीचे अपना कमेंट लिख के बताइए, मैं बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, तो आप एक बार देख लीजिएगा। आपके कमेंट का, हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा, ठीक है। आइए अब बात करें हम तो, ठीक है। इसके अंदर मैं बात करूं स्केलर एंड वेक्टर फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म सेकंड पेपर लगेगा कोटा यूनिवर्सिटी वालों के लिए। पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली राजस्थान की तो सभी यूनिवर्सिटी के लिए समान, लेकिन कुछ कुछ यूनिवर्सिटी के लिए अलग बदल सकता है। अब देख लीजिए 15 से 20 मिनट के लगभग में हमारा ये वीडियो होगा। देखिए स्केलर एंड वेक्टर फील्ड ग्रेडिएंट ऑफ स्केलर फील्ड रिलेशन बिटवीन कॉन्सर्वेटिव फील्ड्स एंड वंस पोटेंशियल लाइंस सरफेस ऑफ वॉल्यूम इंटरनल ऑफ वेक्टर फील्ड्स कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड एंड देयर फिजिकल सिग्निफिकेंस गॉस डाइवर्जेंस एंड स्टोक्स थ्योरम विद प्रूफ्स डेल एंड लाप्लासियन ऑपरेटर इन क्वेश्चन सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये हमको पढ़ना है। दूसरे में बात करूँ स्केलर एंड वेक्टर फील्ड के अलावा, ये बुक काफ़ी सरल है, आप काफ़ी अच्छी तरीके से भी कर सकते हैं इस बुक को, तो आप कर लीजिएगा। दूसरी में बात करूँ इस बुक में वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपने 12th में पढ़ा होगा, पहला ही चैप्टर आता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू ए एवेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मल्टीपोल एक्सपेंशन पोटेंशियल एंड फील्ड ड्यू टू डाइपोल इट्स इंटरैक्शन विद ए इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर क्लासिकल रेडियस ऑफ ए इलेक्ट्रॉन एटॉमिक एंड मोलेक्युलर डाइपोल्स इंक्लूड डाइपोल्स एंड पोलराइजेशन डाइलेक्ट्रिक एंड देयर इलेक्ट्रिकल पोलराइजेशन स्पेसिबिलिटी एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विथ ए पैरेलल एंड कंप्लीटली फील्ड डाइलेक्ट्रिक गॉस लॉ इंटरनल एंड डिफरेंशियल फॉर्म और लॉरेंज लोकल फील्ड एंड कॉलियस मसोटी सम इक्वेशन। तीसरी में बात करूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपकी तीसरी यूनिट है, आपको इसके अंदर पढ़ना है कंडक्टर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड
बाउंड्री कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक सरफेस इन इक्वेशन थ्योरम मेथड ऑफ इलेक्ट्रिकल इमेज एंड इट्स एप्लीकेशन फॉर ए सिस्टम ए पॉइंट चार्ज नियर द ग्राउंडेड काउंटिंग प्लेन पोजिशन एंड लाप्लास इक्वेशन इन क्वेश्चंस सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स विदाउट प्रूफ सॉल्यूशन ऑफ ए लाप्लास इक्वेशन इन क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट बाउंड्री इक्वेशंस सॉरी कंडीशंस बाउंड्री कंडीशन भी है आपके तो ये मैं आपको बताना भूल गया था तो ये भी बता देता हूँ। इसके अलावा मैं बात करूँ हमारे पास फोर्थ यूनिट आती है फोर्थ यूनिट के अंदर आते हैं राइज एंड डेस के करंट इन LRCR सर्किट डेस की कांस्टेंट तो ट्रांजिशन इन LCR सर्किट सेल्फ एंड मॉड्यूल इंडक्शन मेजरमेंट ऑफ ए सेल्फ इंडक्शन वाई रेलिस मेथड्स रिलेज मेथड्स AC सर्किट एंड कॉम्प्लेक्स मेंबर एंड देयर एप्लीकेशन इन सॉल्विंग AC सर्किट प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंस एंड रेजिस्टेंस सीरीज पैरेलल रेजोनेंस क्वालिटी फैक्टर पावर तो ठीक है मैं बात कर तो ठीक है हम यहाँ तक बात कर चुके थे AC सर्किट पावर फैक्टर वायलेट जो बायो सावर्ट लो एम्पियर सर्किट लो इन डिफरेंशियल इंटरनल इंटरजल फॉर्म मैग्नेटिज्म वेक्टर फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड H रिलेशन बिटवीन BHM यूनिफॉर्म मैग्नेटाइज एंड सरफेस करंट नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटाइज ऑर्बिटल एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंटल मोमेंटम ऑर्बिटल गायरो मैग्नेटिक रेशियो एंड बोर मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक स्पेसिबिलिटी। अगर मैं यूनिट 5 की बात करूँ तो टाइम वेरिंग फील्ड्स फेराडे लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशन इंडक्शन एंड इट्स इंटरनल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन डिफरेंशियल इंटरनल फ्रॉम मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट वेव्स इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड देयर प्रॉपर्टीज ट्रांसफर ऑफ नेचर ऑफ EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एनर्जी डेंसिटी पॉइंटिंग थ्योरम पॉइंटिंग सदिश पॉइंटिंग सदिश बोलते हैं प्रायोगेशन ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन कंडक्टिंग इन आइसोट्रॉपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम। अगर मैं थर्ड पेपर ऑप्टिक्स की बात करूँ उसी के उसी तरीके से आएगा तो आप इसको डायरेक्टली मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है तो किसी बात करूँ मैं तो फॉर्मेट प्रिंसिपल एक्सपेरिमेंट पाथ एलोपैथिक पॉइंट इन ए स्पेरिकल रिफरेंसिंग सरफेस कॉर्डिनल पॉइंट्स इन ए ऑप्टिकल सिस्टम न्यूटन फार्मूला एंड देयर रिलेशन कोऑर्डिनेशन लेंस सिस्टम्स थिक्स द पॉइंट इन ए ऑप्टिकल सिस्टम न्यूटन फार्मूला देयर रिलेशन इन कोऑर्डिनेशन लेंस थिक द लेंस लेंस द कॉम्बिनेशन लार्ज लॉ एब्स्ट्रैक्शन इन मैग इमेज स्पेरिकल एब्स्ट्रैक्शन एंड मेथड्स इज रिडक्शन क्रोमेटिक एब्स्ट्रैक्शन ऑर्थोमेटिक्स कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस प्लेस इन कॉक्ट प्लेक्स्ड एट सेम डिस्टेंस कॉमा एंड एक्जेटिमेट्रिक आई पीस हंस रेजिडेंस एंड गाउस आई स्पीस एंड देयर कंप्रेशन यंग्स ड्यूअल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सेकेंड यूनिट की मैं बात करूँ तो टेम्परल स्पेक्टिकल कॉर्ड्स थोड़ी इंग्लिश प्रॉब्लम बोलने में प्रॉब्लम आने बॉयज निकल नहीं रहा तो आप देखिएगा। तीसरा है कोरेंस लेंथ एंड टाइम्स इफेक्ट ऑफ साइज ऑफ ए स्लिट एंड प्योरिटी स्पेक्ट्रिकल लाइंस इंटरफ्रेंस एंड थिंस फिल्म्स कलर्स इन थिंस फिल्म्स वेड शेव फिल्म्स न्यूटन रिंग्स एंड डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए लिक्विड बाय न्यूटन रिंग्स हेडिंगर्स हाइजेंगर्स एंड फ्यूज फ्रिंग्स माइकल जैक्सन इंटरफेरोमीटर मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ वेवलेंथ डिफरेंस बिटवीन टू क्लोज वेवलेंथ एंड थिंकनेस ऑफ ए थिंक प्लेन प्योर इंटरफेरोमीटर। और मैं बात करूं अगली
वेब लेंथ एंड इंप्रूवमेंट बिटवीन टू वेब क्लॉथ एंड थिकनेस एंड थिन प्लेट्स फॉर वेरी प्लॉट्स इंटरफेरोमीटर इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन और कोएफिशिएंट ऑफ ए शार्पनेस हार्प विड्थ मेजरमेंट ऑफ ए वेव लेंथ एंड रेजोल्यूशन एंड टू क्लोज स्पेक्ट्रल लाइंस। अगर मैं थर्ड बात करूँ डिफ्रैक्शन इसके बात करूँ मैं तो इस चैप्टर को आप ढंग से कर सकते हैं। इस चैप्टर में अब तक मैं बात करूँ तो है वो है फॉर्मिंग ओवर डिफ्रैक्शन एंड सिंगल स्लिट में बता चुका हूँ आपको। इसके अंदर मैं बात करूँ तो कुछ उससे मिलता जुलता है, आप इसको देख लीजिए। क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है तो मैं शायद बोल लूँगा नहीं, आप एक बार देख लीजिएगा। मैं अनलाइन भी कर रहा हूँ इन्हीं टॉपिक्स पर, आपको इनको टॉपिक्स को ध्यान से देख लेना है। अब वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, हिंदी मीडियम में बताना है इतना लंबा वीडियो, मैंने कहा अच्छा नहीं है आप लोगों के लिए फिर मेरे लिए भी। तो आइए मैं देख लेते हैं। तो ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा। अगर टॉपिक्स नहीं दिख रहे हैं तो मैं फिर छोटा कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा लंबा निकल गया है। तो ये टॉपिक्स आपको ढंग से देख लेने हैं। अगर मैं देखूँ तो आप इन टॉपिक्स को एक बार देख लीजिए। अगर आपको नहीं लिखने आ रहे तो वीडियो कुछ देर रोक लीजिए, इन टॉपिक्स को आप लिख लीजिए, आपके सिलेबस से मिलाल कर लीजिए। फिर प्रैक्टिकल की बात करो तो आप प्रैक्टिकल में देख लीजिए। आपके पास प्रैक्टिकल में 5 घंटे का टाइम होगा और 16 सेलेक्टिंग एनी 8 16 क्वेश्चन 16 should be 16 सेलेक्टिंग एंड एनी 8 फ्रॉम ईच। सो आएंगे इनमें से 8 क्वेश्चन आपको आएंगे। आप देख लीजिए 16 क्वेश्चन है, इनमें से 8 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो आपको देख लीजिए सेक्शन ए देख लीजिए आप, सेक्शन बी में बात करो आप कॉपी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या फिर कॉपी पेन लेकर लिख लीजिएगा। तो सेक्शन बी की मैं बात करूँ तो सेक्शन बी ये है। अगर मैं बात करूँ मार्किंग की तो रेगुलर कैंडिडेट है उनके लिए जो फिगर एंड फार्मूला लिखने पर 6 मार्क मिलेंगे और कैलकुलेशन करने पर 12 मार्क मिलेंगे, ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन और रिजल्ट विद यूनिट्स एंड तो उसके 4.5 मार्क मिलेंगे। रिकॉर्ड के 15 मार्क स्पेशल मिल जाते हैं और आपके जो वाइवा होता है उसके 15 मार्क मिल जाते हैं। अगर नॉन कॉलेज में बात करूँ तो फिगर फार्मूला का आपका 8 मार्क मिलते हैं, मतलब नॉन कॉलेज स्टूडेंट से 2 ज़्यादा, और जो कैलकुलेशन उसके 15 मिलते हैं और रिजल्ट के आपके 4.5 मिलते हैं, मतलब वो इनके बराबर ही। लेकिन वाइवा के आपको 20 मार्क मिलते हैं, मतलब सब चीज़ में आपको ज़्यादा, लेकिन आपको रिकॉर्ड के नंबर नहीं मिलते। अगर मैं बात करूँ तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स अब के लिए मैं बना चुका हूँ। अब हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स देखेंगे कि क्या होता है, तो ये पूरा सिलेबस देख लीजिए। आपको वो आपको मैंने बताया, वो अब यहाँ भी वो भी लगता है कि इस खंड में एक अनिवार्य प्रश्न है जिसमें से प्रत्येक इकाई से 2 प्रश्न होंगे, लघु प्रश्न होंगे। प्रत्येक लघु प्रश्न का उत्तर 20 अब्दम दीजिए। इस खंड में इकाई में 2 प्रश्न लेते हैं, कुल 10 प्रश्न होंगे। 1 प्रश्न चयन करते हुए 5 प्रश्नों को उत्तर देने होंगे, लघु 250 में होंगे। 4 प्रश्न होंगे, प्रश्न में भाग भी हो सकते हैं, जो भी इकाई में से दिया जाएगा, किंतु एक इकाई से 1 से अधिक प्रश्न नहीं दिए जाएंगे। 2 प्रश्नों को उत्तर दिए जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में हो। जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ये है हमारे पास मैकेनिक्स जिसे हम बोलते हैं। अगर हमारी भाषा में बात करें तो यांत्रिकी, यांत्रिकी की सिलेबस की बात है ये। तो आइए आपको मैं पहले भी दिखा चुका हूँ, आप यांत्रिकी ध्यान से देख लीजिए, यांत्रिकी का सिलेबस है ये। तो पूरा सिलेबस आप देख लीजिए, इकाई फर्स्ट में है जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र रूपांतरण निश्चरता जैसे टॉपिक्स और फोकोलॉलग जैसे टॉपिक्स हैं। सेकंड यूनिट की बात करूँ मैं, ये पदार्थ में द्रव्यमान गुण है, द्रव्यमान केंद्र की अवधारणा है, दोलन है, ऐसे टॉपिक्स आप देख लीजिए। दोलन तक पहुँच चुके हैं, LCR परिपथ हो चुका है। पाँचवीं यूनिट की बात करूँ एक विमीय तरंग गति सामान्य समीकरण प्रस्तरण समूवेग की अवधारणा है। विद्युत चुंबकीय में बात करूँ तो विद्युत चुंबकीय में देखो वो सिस्टम है सबके, विद्युत चुंबकीय आप ये दिख नहीं रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो आप देख लीजिएगा, आप समझिएगा सब कुछ। आप स्क्रीनशॉट लेकर बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। आइए देखें, अधिक्षेत्र सदिश क्षेत्र वाली एक यूनिट है, स्पेशल स्थिर विद्युत की एक अलग यूनिट है, स्थिर विद्युत क्षेत्र की एक अलग यूनिट है, और LCR RCR परिपथ चौथी यूनिट और पाँचवीं यूनिट थोड़ी अलग है क्योंकि इनमें काफ़ी चैप्टर्स का मिश्रण है। तो आप देख लीजिए जैसे विद्युत चुंबकीय का मिश्रण है, 5 यूनिवर्सिटी में बात करूँ अवकलन समाकलन मैक्सवेल वाले नियम का अलग है, तो फैराडेज आप काफ़ी अच्छे पर 12th लेवल की है, अधिकतर बाहर का एरिया नहीं है। प्रकाशी की बात करूँ मैं, आप प्रकाशी की देख लीजिए आप, चूँकि पूरा सिलेबस आपको दिख नहीं रहा होगा तो चूँकि मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ इसको, आगे आ चुके हैं आप लोग। यही मैं बात करूँ ठीक,
अब लोगों को दिख नहीं रहा हो तो मैं थोड़ा थोड़ा और कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है सीमा से बाहर निकल चुका है। ठीक है, ये देखिए यहाँ तक हो चुका हमारे पास, ये है हमारे पास टोटली। तो आप इनको करिएगा, देखिएगा आप पॉइंट को। हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा है, देखिएगा आपको हिंदी मीडियम में दिखाया गया है पूरा, जैसे माइकल जैसन व्यतिक्रमण में भी है, फ्रेबो प्रयोग व्यतिक्रमण में भी है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है व्यतिकरण है और विवर्तन है। अब देखिएगा विवर्तन निवर्तन है, ध्रुवण को देखिए आप, ध्रुवण के अंदर टॉपिक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टॉपिक लीजिए, वीडियो को रोक कर ले लीजिए, लेकिन वीडियो को स्किप ना करें। वीडियो को स्किप करोगे तो आपको ही घाटा है, क्योंकि आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है आपको, जैसे मैं बात करूँ इसमें प्रत्येक विद्यार्थी 8 प्रश्नों का चयन करते हुए दौरान 16 प्रयोग करने हैं, प्रत्येक सत्र के दौरान आपको 16 प्रयोग करने हैं, 8 प्रयोगों का चयन करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को आपको 8 प्रयोगों का चयन करते हुए 16 प्रश्न करने हैं। आपके एग्जाम के अंदर भी आप क्वेश्चन मिलेंगे लगभग लगभग अंदाज के हिसाब से, आपके मैं बोल रहा हूँ अंदाज के हिसाब से। आइए जानते हैं, आइए मैं बात करूँ चयन पाठ विद्यार्थियों के लिए बताता हूँ नॉन कॉलेज के लिए। ठीक है, ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सब कुछ हो चुका है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के घंटी को दबा दीजिए।